दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड खास उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सीने में दिल नहीं होता है। दे आर एन इमोशनल लॉट, क्योंकि हमारी आज की जो सेलिब्रिटी गेस्ट है जूही चावला, इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म मैं कृष्णा हूं में काम कर रही है, क्योंकि ये फिल्म बनाई है उनके बॉय नंदन महातो और अर्स्टवाइल हेयरड्रेसर पैमेला हंटर ने। जी हाँ, ये दो वर्कर्स जो जूही चावला के साथ जुड़े थे, दे हैव टर्न्ड प्रोड्यूसर्स विद दिस फिल्म। इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी है एक छोटे से रोल में, बिकॉज जूही चावला के जो बॉय है नंदन महातो, ही इज ऑल्सो ऋतिक रोशन बॉय। एंड कटरीना कैफ को भी आप इस फिल्म में देखेंगे, बिकॉज पैमेला हंटर इज नाउ हर हेयरड्रेसर। सो अब आगे कभी नहीं कहना कि फिल्म इंडस्ट्री में हार्टलेस लोग रहते हैं, बिकॉज दे आर इंडीड अ वेरी इमोशनल लॉट। कौन करता है आज के जमाने में अपने वर्कर्स के लिए इतना सब कुछ। जूही चावला के साथ हमारे शो में है नमित शाह, हु प्लेज द लिटिल कृष्णा इन मैं कृष्णा हूं। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कमल। जूही, इट्स सच अ स्वीट जेस्चर, आपने अपने बॉय के लिए, अपनी अर्स्टवाइल हेयर ड्रेसर के लिए इतना कुछ किया। टेल मी हाउ दिस आइडिया वॉज बॉर्न, हाउ दिस फिल्म वॉज बॉर्न, एंड आप कैसे जुड़ी इस फिल्म के साथ? कोमल, वन थिंग डेफिनेटली, इस फिल्म की मेकिंग भी एक कहानी है। और कभी आई वुड लव टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मतलब उसके लिए आपका शो कोई 2-3 घंटे के लिए होना पड़ेगा। मगर सारांश में आप कुछ तो इंटरेस्टिंग बातें बताइए। ओके, ठीक है, वी विल। एंड बट आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम द व्हाट वी एंडेड अप मेकिंग आल्सो, इसलिए मैं सिर्फ इस बात पर स्ट्रेस नहीं करती कि यू नो जिन्होंने ये फिल्म बनाई है वो मेरे लिए काम करते थे एक वक्त, बिकॉज फाइनली जब ऑडियंस फिल्म देखने आती है, या उन्हें वो फिल्म अच्छी लगती है या उन्हें वो फिल्म अच्छी नहीं लगती है। वो ये नहीं सुनना चाहते कि आपको कितना दुख हुआ, कितने आपने पैसे बहा दिए इस फिल्म को बनाते हुए, कितनी मेहनत गई। दे नॉट इंटरेस्टेड। फिल्म अच्छी लगी, फिल्म हिट हुई, देन आई वुड लव टू टेल यू कि ये फिल्म कहां से गुजर के आई, यानी किस उतार चढ़ाव इसने देखे, एंड हाउ इट गॉट मेड, एंड टुडे व्हेन इट्स अ सक्सेस वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग। आई लव टू टेल यू द स्टोरी अबाउट इट, एंड आई एम होपिंग फॉर दैट डे। आई एम श्योर ऐसा होगा, इट वॉज सक्सेसफुल। और देखे, बट यस, वेरी ब्रीफली, हाँ, एक वक्त पे पैमेला मेरे साथ थी और काफी सालों तक काम कर रही थी मेरे साथ। Then I think in 2001 or 2 या ऐसा कुछ, then she left me. तो तब तक हमने कोई 7-8 साल हर फिल्म जो आप देख रहे हैं वो हमने साथ की हुई थी। नंदन भी मेरे साथ काफी सालों तक था, एंड देन अगेन जब मेरा काम कम होने लगा, आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन मैरिज एंड फैमिली, तो देन ही मूव्ड ऑन टू ऋतिक। रिसेंटली 2 साल पहले मुझे वापस मिला, बहुत ही तकलीफ में था, बहुत ही दर्द में था। ही डिडंट नो व्हाट टू डू विद हिज लाइफ, मतलब ही वाज रियली तकलीफ में था वो। अब ये भी तो नहीं जानती कि मैं कितना कहूं कितना नहीं कहूं, क्योंकि मैं हम लोग तो टीवी पर हैं। नहीं, कह दीजिए, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ह्यूमन फीलिंग्स वाली कहानी कभी भी किसी को बुरी नहीं लगती है। So you can just go on, let the thoughts flow. But not to hurt his dignity anyway. तो मैं details में नहीं जाऊंगी, but he was really health-wise, उसकी he was in trouble, and उसे काम नहीं हो रहा था, तो he savings भी करीब खत्म हो रही थी. And such a situation, he'd come, फिर I tried to help him, and not just me. मैंने उसे टीज भी किया, मैंने कहां से किस्मत लाया हो नंदन, काम कर रहे थे, ऋतिक तुम्हें हेल्प कर रहा है, शाहरुख खान तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, जूही चावला तुम्हें हेल्प कर रही है, टू हेल्प हिम गेट हिज, ही हैड अ प्रॉब्लम विद हिज स्पाइन, तो फॉर फिजियोथेरेपी एंड फॉर एक्यूपंक्चर एंड ऑल दीज पीपल हैव हेल्प्ड हिम टू गेट हिज ट्रीटमेंट डन। तो फिर हुआ नहीं हुआ, कुछ बात ठीक ज्यादा नहीं हुई, बट इन द मीनवाइल ही मेट राजीव रुइया जी, एंड दे पुट टुगेदर, दे फाउंड सम फाइनेंशियर्स, एंड दे सेड के फिल्म बनाते हैं, एंड मेरे पास आए,
उस वक्त कुछ ऐसा भी था कि माय ब्रदर हैड जस्ट सफर्ड दैट ब्रेन हैमरेज एंड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स मैं तो अस्पताल से बाहर भी नहीं गई थी. सो आई वाज आल्सो इन अ वेरी इन अ क्राइसिस सिचुएशन इन माय ओन लाइफ जहां कि मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट एंड इस वक्त ये लोग आए मेरे पास, कहा कि ये हमारे पास स्वीट सी कहानी है और राजीव रुइया जी इज द सेम डायरेक्टर हु हैज मेड माय फ्रेंड गणेशा. और मुझे अभी तक याद है कि उनकी राजीव रुइया की पहली फिल्म जब लगी माय फ्रेंड गणेशा के, तो वो चित्र देखकर, वो क्यूट से गणेशा देखकर मैं अपने बच्चे को लेकर गई थी, एक ही था तब मेरे पास. मैंने कहा ये फिल्म हम लोग देखने जाएंगे और हम लोग थिएटर में गए थे उसे देखने. एंड फिल्म बड़ी स्वीट थी, एनिमेशन उसका इसकी क्वालिटी थोड़ी, आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड. एनी वे ही कम बैक आफ्टर 4-5 years आफ्टर दैट फिल्म. तो उस दौरान उन्होंने गणेशा 2 भी बना दी थी और जब वो मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आए हैं तो उनकी गणेशा 3 रिलीज हुई. तो मैंने सोचा कि कहानी इनकी अच्छी है, मैं जरा इनका काम अभी देख लूं. So again, now I took my children to the theater. Ganesha 3. और इत्तेफाक से उन्हें बड़ी अच्छी लगी, उनके फ्रेंड्स को भी लेके गई. मैंने सिर्फ मतलब बच्चा पार्टी को बहुत मजा आया, इन्होंने बड़ा मजा किया. मम्मी हम इसकी डीवीडी लें प्लीज. अगले दिन भी मेरी बेटी बोल रही है मम्मी मुझे इसकी डीवीडी चाहिए. अच्छा ऐसा ऐसी बात है. तो देन बिकॉज आई लाइक द स्टोरी and I liked his work. It appeals to children and to families. Then I said yes to the film. और फिर डेढ़ साल बाद आप हमें अपने टीवी के सामने देख रहे हैं to promote the film. नमित, आपसे सवाल, आप इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े और कृष्णा की भूमिका, कृष्णा का कैरेक्टर प्ले करने में कितना मजा आया? कृष्णा शरारती थे? हाँ. आप शरारती हैं? हाँ. कितने शरारती है, कृष्णा से ज्यादा या कम? कृष्णा से कोई शरारती नहीं है. और आप इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े? Who came to sign you? कोई मुझे साइन करने नहीं आया था. आई जस्ट गेव एन ऑडिशन सो दे साइन मी. अच्छा, यू गेव एन ऑडिशन एंड ऑडिशन में क्या किया? ऑडिशन में माखन खाया? हाँ, माखन खाया. नहीं, ऑडिशन में आई हैव टू कॉल माय फ्रेंड्स बट दे डिडंट कम. सो आई टेल ओके आई विल नॉट प्ले विद यू, आई एम गोइंग टू प्ले विद एनीबॉडी एल्स जस्ट. अच्छा, फिर एक ऑडिशन में आप सिलेक्ट हो गए? या फिर शूटिंग फटाफट शुरू हो गई? प्रेपरेशन करना पड़ा कृष्णा की कॉस्ट्यूम वगैरह आपके लिए स्पेशल बने? नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट टाइप ऑफ. अच्छा, नॉट दैट. नो, माय फ्रेंड गणेशा, इन दैट द बॉय मीट्स लॉर्ड गणेशा, द सेम थिंग. अच्छा, तो यू मीट लॉर्ड कृष्णा? या. ओके ओके, तो फिर इसके लिए कुछ रोल के लिए प्रेपरेशन करना पड़ा? हाँ, उन लोगों ने स्क्रिप्ट की रिहर्सल करने के लिए बुलाया था. कितने दिन रिहर्सल किए? 2 days. ओनली 2 days? या. You're smart, very smart. ये बहुत स्मार्ट है. एक तो सुपरस्टार बनता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है. टीवी पे छाया हुआ है. कितनी एड्स कर ली अभी तक? बहुत सारी देखा. तो जूही चावला के सामने, जूही चावला आंटी के सामने काम करने में दिक्कत नहीं हुई? टेंशन नहीं हुआ कि बाप रे ये तो जूही चावला है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ? ये बच्चे ना हमको ऐसे घुमा देंगे. एक तो बहुत सारे थे सेट, बहुत सारे मतलब देयर वाज अ लिटिल ग्रुप यू नो व्हिच इज द फोकस इज ऑन. सो इनकी बहुत कंपनी भी तो थी एक दूसरे के साथ, धमाल करते थे पूरा दिन, धमाल मस्ती. तो जूही, इसकी शूटिंग आपने कितने दिनों तक की? बिकॉज यू हैव क्वाइट अ लेंथी रोल. लेंथी इन द सेंस, हाँ, इट इज सब्सटेंशियल इन द फिल्म. हमने कोई 10 दिन की रामोजी राव स्टूडियोज में हैदराबाद में. ओके. एंड फिर एक दिन थोड़ा सा पैच वर्क जो बच गया था, बस दैट वाज इट. एंड अब आप प्रमोशन के लिए निकली हैं? जी. यू आर गोइंग ऑल आउट टू प्रमोट द फिल्म. इरोस इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े? दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. आई थिंक दे हैव सीन द फिल्म एंड दे लाइक्ड इट. एंड दैट्स नंदन, नंदन तो प्रोडक्शन के काम से वाकिफ नहीं है, तो यू आल्सो हेल्प्ड इन फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स. अगर वो प्रोडक्शन के काम से वाकिफ नहीं है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. हालांकि आपने अपनी फिल्में बनाई हैं पहले शाहरुख के साथ, ओनीरन संजय सूरी के साथ, मगर यू ऑलवेज टेकन द बैक सीट एज फार एज द बिजनेस साइड इज कंसर्न्ड. या, दैट्स ट्रू, क्योंकि मेरा दिमाग उस दिशा में काम ही नहीं करता.
मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग इफ एट ऑल आई हैव हेल्प्ड इट हैज बीन मोर इन आइदर इन प्रमोशंस और मार्केटिंग और यू नो पोस्टर डिजाइंस क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती हैं बट नंबर्स नॉट द बिजनेस साइड. और ये फिल्म आपने अपने बच्चों को दिखाई या नहीं कि सिनेमा में लगने के बाद दिखाएंगी? नहीं एक्चुअली एज ये जब सॉर्ट ऑफ रेडी थी यानी इसका लाइन अप रेडी था तो आई डिड आस्क फॉर अ ट्रायल एंड मैं अपने बच्चों के सारे फ्रेंड्स को बुला दिया. आई सेड रियली कि द ऑडियंस इज दिस एज ग्रुप यू नो एंड इनको ही फिल्म दिखाओ अगर ये हिले या बोले नहीं क्या यू नो दैट समथिंग इज अमिस एंड दे ऑल सॉ इट एंड दैट टू दैट टाइम इट वाज अ बिट लॉन्ग कि इट वाज जस्ट अ लाइन अप ऑफ द होल फिल्म. ओके तो बच्चों ने देखी दे लाइक्ड इट. अच्छा मेरे स्टाफ भी था क्योंकि सारे सब फिर घुस गए ना ट्रायल के अंदर तो सभी के चलो सीट्स है सीट्स क्या सीट्स तो खत्म हो गई थी फिर कुर्सियां लगा के सब बैठ गए तो दे एंजॉयड इट अ लॉट. तो माय मेड वो बीच बीच में एक एक बहुत इमोशनल पोर्शन है विच हैज अ लॉट टू डू विद हिज कैरेक्टर. अच्छा एंड there's a part you know masti hoti hai and then it's a little serious and then again the dhamal then the adventure begins. So that portion they have actually cried and all. Achha, the viewers were crying huh? Oh to phir baad mein bole bahut achhi film banayi hai aapne and mera staff jaldi se main to ghar mein hi rehti hu so for them I'm not really a star wo log meri koi tareef nahi karte aise ghar ki murgi dal barabar bilkul. So they I was surprised ke wo aisa bol rahe hain mujhe. So they really liked it and and then it has been re-edited, yani it has made even much better. The and crisper. Edit now is very crisp. So I just feel, koi dekhega to disappoint nahi hoga. In fact, achhi lagegi. I would think so. I really think so. That's very nice. Juhi bol rahi thi ki aapka ek emotional scene hai. Yeah. To us emotional scene mein aap rote bhi hain? Yeah. And kaise roye? ग्लिसरीन से या एक्चुअली रोने लग गए? एक्चुअली रोने लग गए. यू गॉट सो मच इनटू द कैरेक्टर. क्या बात है आपको रोना इजीली आता है रियल लाइफ में? या व्हेन डू यू क्राई? मैं बोल रही हूँ ना ये लोग बहुत स्मार्ट है. व्हेन डू यू क्राई? हाउ ऑफन डू यू क्राई? नो इट्स अ टेक्निक. अच्छा लाइक व्हाट? मेरे को भी सिखा दो. आई योर नो इफ आई योर नो व्हाट आई केम इन माय आईज इफ यू यॉन. या एंड हाउ कैन यू यॉन? हमको तो यॉनिंग आती नहीं है. मतलब नींद आती तो यॉन करते हैं उसके अलावा तो यॉन नहीं कर सकते हैं. यू कैन यॉन लाइक दैट ओनली? या इधर टीवी पर यॉन करके बताओ. पर अभी तो आंसू नहीं आए. आप हंसाते जा रहे हो. अब हंसी आ रही है. बेचारे को कॉन्सेंट्रेट करने नहीं दे रहे हो. बट मे बी यू एबल टू डू इट. सो इट वॉज वेरी इजी फॉर यू? हाँ. Yeah. So which was the most difficult scene for you? Puri picture mein. Ek bhi difficult scene tha hi nahi. Kya baat hai yaar, I become a fan of yours. You're too good. Main to only masti was there. Only masti? Yeah. They had a lot of fun scenes. Actually they except wo to really nice and emotional and then ट्विस्ट ऑन. अच्छी फिल्म है रियली. तो लाइव कैरेक्टर्स और एनिमेशन है अगर मैं आपको पूछूं मोटा मोटी कितना एनिमेशन और कितने लाइव कैरेक्टर्स है परसेंटेज वाइज? तो बिल्कुल इस तरफ वो सवाल करिए क्योंकि हाउ मच ऑफ एनिमेशन मेरे साथ बहुत कम ही था. हाउ मच ऑफ एनिमेशन एंड हाउ मच ऑफ लाइव कैरेक्टर्स? बोथ आर सेम. अच्छा 50-50? या ओके. तो उसमें आपका काम कम हो जाता है फिर क्योंकि एनिमेशन नहीं. यू आर देयर विद एनिमेटेड कैरेक्टर्स ऑल्सो? अरे वाह. तो यू आर अ रियल बिग स्टार यार. तीन सुपरस्टार्स के साथ फिर एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ भगवान के साथ किसी को नहीं छोड़ा आपने. जू ही नॉन स्टार कास्ट फिल्म्स ये तो आप हैं. ऋतिक रोशन है, कटरीना कैफ है छोटे रोल्स में, बट बेसिकली एक बच्चों की फिल्म है, पार्ट एनिमेशन पार्ट लाइव कैरेक्टर्स. उनके लिए रिलीज स्ट्रैटेजी प्लान करना मुश्किल हो जाता है, प्लस लोगों को सिनेमा घर तक आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद बिग बजट फिल्म्स. बजट भी कंस्ट्रेंट में है. दीज फिल्म्स नीड टू बी मेड एट अ स्मॉल बजट. हाउ डू यू गेट द पीपल टू द सिनेमास? इजंट इट अ डॉन्टिंग टास्क? ओके आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि नॉर्मली यस जब आपकी फिल्म ही 50 करोड़ की हो तो आप 5 करोड़ और डाल दो उसकी प्रमोशन में. मगर आपकी फिल्म ही जब 2-3-4 करोड़ में बन गई है एंड देन यू कैन एक्चुअली नॉट यू कैन बर्डन द फिल्म विद मोर एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन एक्सपेंडिचर दैट इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल.
at the same time, I feel a film like this, that is why I've stepped in. Because I feel the film is good. And rather than just say, ki yaar, hum kya kare, to I said, nahin, chalo, let's do whatever we can. And jahan par hum ja sakte hain, whatever. I mean, if it's interviews or meeting the press, yeah, going out, do whatever we can. Then leave it to the audience. मगर कुछ भी ना करें वो सही नहीं होगा and that's why I'm here. Now Very let's see nice. What जैसे आपने कहा कि audience आती है या नहीं we would tell the audience कि हाँ बड़ी अच्छी फिल्म है आप आइए अब आप पर है and क्या चीजें अच्छी लगेगी लोगों को इस फिल्म में besides the subject which is quite engaging और क्या क्या है on offer मैं तो कहती हूँ यही तो बात है A lot of films don't even have this. And here we have interesting, sweet moments, fun moments, emotional moments, adventure. Lord Krishna, little one in animation. We have these bunch of naughty children. We have Hrithik, Katrina, myself. And ab jaani le le kya? Ab, aur kya chahiye aapko? And it's really lovely, clean. You can bring the whole family. You can enjoy it. I say especially if you have young children come to the film. Lovely. I'm sure aap jab itni mehnat kar rahi hai, aap sab jute hue hain promotion mein, it's at least looking like a clutter breaker. Jo routine film mein hum dekhte hain, usse alag dikh rahi hai. Juhi, years wishing you the very best and let's just hope that people really do come in. Namit, all the best to you. Thank aap kuch you. Kehna chahenge jaane se pehle, aapke chote chote doston ko, friends ko, ki ye film kyon dekhni chahiye? ये फिल्म इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि सम चिल्ड्रन बिहेव वेरी बैडली विद मदर एंड फादर इन दिस फिल्म आई डोंट हैव अ मदर और अ फादर सो दे शुड रियलाइज दैट मदर एंड फादर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ How sweet, yaar. You're so sweet. Thank you. You're really sweet. Kya baat hai? I didn't think of it exactly. this way. Exactly. He thought of it from his character. You are really sweet. Really sweet. Superb, yaar. Thank you. Thank you. Thank you for being with us. Thank you, Juhi. Thank you. तो दोस्तों ये थी जूही चावला और ये थे लिटिल नमित शाह जैसा हमने इस इंटरव्यू में डिस्कस किया दिस फिल्म इज वेरी डिफरेंट एंड जब जूही कह रही है कि उन्हें ये फिल्म पसंद आई She said, I'm very critical. Let me tell you, she is indeed very critical. ऐसे instances हैं, मुझे ध्यान है, I don't need to take names. जब इनकी खुद की फिल्म इन्होंने देखी और release से पहले कहा कि मुझे I don't know, I'm not sure, maybe it won't work. So if she says this film is good, you can be sure there would be something for everybody. तो बच्चे Well, आप तो जाएंगे ही मैं कृष्णा हूं देखने के लिए बट बच्चों के मम्मी पापा आंटी अंकल उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखिए बिकॉज जूही हैज लाइक द फिल्म एंड दैट मीन्स अ लॉट